अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक यार। फाइनली आपके भाई का जो है ना एक दफ़ा फिर 97 का प्रोग्राम बना है, क्योंकि पिछले ब्लॉग में आपने जैसे देखा बेहतरीन साइज की माँ हमने मारी थी, तो इस वजह से फिर डिमांड आई है कि भाई एक दफ़ा फिर जाओ। तो हम लोग जा रहे हैं और शेरी के लिए क्या बना रहे हैं आए आपको दिखाते हैं। शेरी में हम बना रहे हैं आज मटन वाइट कढ़ाई, ठीक है जी। ये हमने गोश्त को ना हाफ करके रख दिया रेडी ना, मटन ये 1.5 किलो है, सही 1.5 किलो मटन है, ठीक है। अच्छा, इसके हमने ग्रेवी के लिए क्या करा है, ग्रीन कलर के टमाटर हैं, ठीक है, 1/2 किलो, और तकरीबन 3 से 4 घंटे इसमें प्याज के छोटे साइज़ की ना, और 8 से 10 हरी मिर्च हमने इसको बॉईल कर लिया, ठीक है। अब इसको हम कर लेंगे ग्लेंड, ठीक है। ग्लेंड करने के बाद ये बन जाएगी इसकी ग्रेवी के लिए। 1 अदद ऑल पर्पज़ की क्रीम है, 1 पाव वाली, ठीक है, और 1 पाव इसमें दही ऐड होगा। 8 से 10 अदद हरी मिर्चें हैं जो ऊपर से आ जाएंगे, ठीक है। ब्लैक पेपर 1 चम्मच, वाइट पेपर 1 चम्मच, और ज़ीरा 1 चम्मच, ठीक है। हाँ, हरा धनिया 1/2 गड्डी, और छोटी सी एक गड्डी ली थी हमने जो अदरक हमने काट ली, ठीक है ना। अभी फाइनल जब सिस्टम पर रेसिपी हो रही होगी हमारे यहाँ, तो फिर आपसे मिलते हैं, फिर आपको दिखाएंगे रेसिपी कैसी बनती है। करने जा रहे हैं इसको ग्रेंड ना, तो ये हमने अच्छी तरह बॉयल कर लिया, बेहतरीन इसकी ग्रेवी तैयार होगी। पानी हम छोड़ देंगे, खाली प्याज और टमाटर की इसकी ग्रेवी बनेगी। भाई गोश्त हमारा जो है ना हाफ रेडी हो गया है, ठीक है। अब हम इसको पकाएंगे ग्रेवी के अंदर। ये हमने पेस्ट बनाया है ना इसका, ठीक है, प्याज टमाटर और हरी मिर्च, नो डाउट सुधार दे, खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है, अरे VIP बनेगी। और नमक हमने गोश्त जब बॉयल कर रहे थे तब उन्होंने डाल दिया था, ठीक है। तो नमक अपने हिसाब से हम पर लाइट आप कर दो, धीमी आँच में गलने नहीं हम, ठीक है। कोई मसाले वगैरह जितना भी आइटम दही वही जो है क्रीम व्रीम सब हम एंड में डालेंगे। चलो जी, 1 पाव दही डालना है। मसाले का आपको हमने बता दिया था कितना कितना दे, 1 चम्मच, सही है जी। ये सब जा रहा है थोड़ा, यही बनेगी माशाल्लाह। चलो ये धनिया और अदरक, अदरक ये फाइनल राउंड हो गया माशाल्लाह, और ये हमारी जो वाइट कढ़ाई तैयार है माशाल्लाह। ये माशाल्लाह तैयार हो गई है, इसको खा के चेक करके रिव्यू हम देंगे आपको घरों पे होटल जो का, ठीक है ना। तो बस अब टाइम थोड़ा रह गया, तैयारी करते हैं, निकलते हैं अभी जाके गाड़ी में सामान वामान रखते हैं और निकलते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं घरों पे नाश्ते को। भाई फाइनली हम लोग घरों पर पहुंच गए हैं, ठीक है जी। गाड़ी हमारी ये खड़ी बंद करके चले गए अंदर, ठीक है ना। अभी अंदर जा रहे हैं नाश्ते के लिए, ठीक है ना। जो कढ़ाई हमने घर पर बनाई थी ना, वो अभी दिखाते हैं आपको कढ़ाई कैसी बनी है। जगत भाई पकड़ा कढ़ाई वाइट मटन आ रहा है, मटन बेहतरीन हो जाएगा भाई मेरे नाश्ते में। ऐसी थी ना, दिल खुश हो गया, यकीन करो। VIP शहजाद भाई ने बनाई है, मज़ा आ गया। शहजाद भाई ने माशाल्लाह मटन कढ़ाई ऐसी बनाई है कि बस खाते जाओ पेट भर जाए, लेकिन नियत ना भरे, पूरा ब्लॉग ही इनका बन जाएगा। सत्ताने पहुँचने के बाद हमने 2 डोरे लगा दी हैं, ठीक है ना, पकाए डोरे भी रखी हुई हैं, अभी लगाते हैं इनको भी, और इंशाल्लाह जैसी भी अपडेट होगी आपको देंगे। भाई वहाँ 15 मिनट बैठने के बाद जब साइड पे बैठे हुए ना, बिल्कुल चल नहीं दिया, अभी साइड पे बैठ गए वो ख्वार होने के लिए, हमने जगह चेंज कर दी अपनी। अच्छा, दूसरी बात केचुआ हमारे पास चारे में नहीं था, ठीक है ना, तो हमने जो है रास्ते में से
एक नया पॉइंट मिला हमारे को चिल्वे पकड़ने का ना। ये चारा देखो खाली कितना सारा है ये वीआईपी जिंदा सारा चारा पकड़ा है। अगर इसको चाल हो गई तो बहुत वीआईपी वहाँ में लगेंगे इंशाल्लाह। बाकी जैसी अपडेट होगी इंशाल्लाह आपको देंगे दिखाएंगे। और अभी दौड़ चली भी थी आपके भाई की लेकिन मिस हो गई वो। ये क्या पकड़ लिया भाई? ये कपड़ा बोल सोल बुरा वाला है। खाने की है? नहीं भाई हम नहीं खाते इसको। अच्छा तो छोड़ देंगे भाई। फाइनली अब्बा ने माशाल्लाह पहली वाम मार दिए। वाह भाई एंड कर दिया माशाल्लाह। पहली वाम मारी अब्बा ने अभी। देखो क्या कह रही है माशाल्लाह। हाँ भाई देख देख ये ऐसा। हाँ हाँ दौड़ चल रही है। हाँ अभी देखिए कितना हो जाएगा। खा रही है भी। हाँ चलने तो बस जल्दी नहीं करना, खाने देना इसको आराम से। ये देख अबे नहीं शराब गई आ गई। ओ माशाल्लाह शहजाद भाई, भाई क्या हो गया यार? एक घंटे से कोई आवाज़ नहीं आई भाई। सीन कुछ ऐसा है कि एक बार अब्बा को लगी थी। हाँ ठीक है ना, एक हमारे को लगी है और उसके बाद से अभी तक सन्नाटा चल रहा है। दौरे लगाएंगे भाई, कोशिश फुल है। एक आध घंटा बच रहा है हमारे पास भी, देखेंगे ठीक है ना, वरना घर के तरफ को निकलेंगे। बाकी जैसी भी अपडेट होगी आपको देंगे भाई, चाहे वो फुहारी की हो या फिशिंग की, अच्छी फिशिंग की हो। यहाँ से लगी है भाई अभी ये माशाल्लाह। यही थी जो काफ़ी देर से तंग कर रही थी आपको। तो मैं आवाज़ मारता हूँ, तुम गाड़ी में बैठ गया तो यार ये काफ़ी देर से तंग कर रही थी। सही है भाई, जबरदस्त टीम नाम हो गई यही भाई। जैसे कि आपने देखा कि पिछले दो ब्लॉक के अंदर जो हम लोग शिकार पे गए थे तमाम मछली हम लोगों ने इकट्ठी कर ली थी घर के ऊपर। और आज हमने जो है प्रोग्राम बनाया दुकान पर खाने का। सारे शिकारी जितने भी यार दोस्त हैं हमारे सब दुकान पर आ रहे हैं, तो हमने बामे बना लिए। असद भाई हमारे थोड़े बिजी थे, ये शूट पे गए हुए थे अपने ना, तो इस वजह से हम शूट नहीं कर सके बामे बनाने का मछली का ना। ये कौरमा हमने बाकी रेडी कर दिया है, फिश कौरमा बहुत यही बना हुआ है। और इसके साथ जो है ना चावल राइस तैयार हो रहे हैं, बॉइल करे जा रहे हैं। अभी शकील भाई चावल डालेंगे, मेरा भाई बड़ा था ठीक है। और ये हम बना रहे हैं अपनी शॉप के ऊपर ठीक है, लांडी नंबर 5 चिराग होटल पर, हाँ बिरयानी के नाम से हमारी शॉप है, तो उसी के ऊपर हम ये बना रहे हैं आज। और यहीं बैठ के खाएंगे शॉप के ऊपर, इस समय खाएंगे फिर इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे फिश कैसी बनी और बेहतरीन साइज़ की वाम है। तो चावल वी आई पी वाले माशाल्लाह बासमती चावल है, थोड़ा सा अंधेरे का जो लाइट नहीं है भाई। ये शाद भाई जो है ना शिकार में वहाँ गए तो खाई, लेकिन ये बोला मच्छी नहीं खाता, लेकिन आज मैं इनको वाम मछली लाजमी खिलाऊँगा किसी भी सूरत में, और आपने खानी है ठीक है। मेरी मोहब्बत में इंशाल्लाह ये खाएंगे। मछली वैसे खाता नहीं है, मछली झींगा नहीं खाता, लेकिन आज ये खाएगा भाई, मेरे हाथ की बनी हुई इंशाल्लाह। हाँ भाई अगली बार जीरे का बगान लगाए चावल के मजे और बहुत व्याई बनेंगे, मज़ा आएगा। आज ये हमारे लेबर खड़ी हुई है भाई, बलोच बलोच क्या खाया बेटा? खाना है मछली। ये अहमद भाई खड़े हैं हमारे, आज सबको मछली खिलाएंगे यहाँ पर दुकान पर, जितने भी कारीगर हैं आज सब मछली खाएंगे टेड हो गए वी आई पी। माशाल्लाह बामे बकरी हमारी जो है दो दफ़ा की फिशिंग है, देखो माशाल्लाह बहुत वी आई पी माशाल्लाह। जवाब नहीं है भाई माशाल्लाह, ओके ओके की रिपोर्ट है। बेहतरीन सालन है, बेहतरीन रोटी है, बेहतरीन चावल है, एवन मज़ा आ रहा है। बेटा चावल तो बहुत प्यारे बने हैं भाई, चावल बेहतरीन बने हुए, तो सालन अपनी जगह मटर सालन अपनी जगह बना हुआ है। ये भी एवन टेस्ट है, बहुत मज़ेदार भाई। रोटी के बाद जो है ना आप जो चावल में बॉइल कर रहे हैं उसके साथ खा रहा है, और माशाल्लाह इसके साथ ही बड़ा यही मज़ा आ रहा है। टेस्ट चेक करो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और भाई के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।